हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर बेसिकली क्या है, आपने नोट किया होगा आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप सोचें गाड़ी का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है, इवन बसेस भी चलती हैं, कितना बड़ा साइज है और इतनी बड़ी बस, इतनी बड़ी कार इतनी स्पीड पे चल रही है, और हो क्या रहा है, आप हल्का सा पेडल दबाते हैं पैर से, बिल्कुल मतलब पूरा भी नहीं दबाते, हल्का सा दबाते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी रुक जाती है। अब ये कैसे हो गया, जबकि गाड़ी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी आपको, लेकिन आपका हल्का सा पैर से लगाई हुई फोर्स उस गाड़ी को एक सेकंड में रोक देता है, क्योंकि उसमें क्या लगी होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो आपने किया हुआ है पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आपको कि हमने पहले भी तो किया है कुछ ऐसा कुछ, वो क्या था, हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसमें हमने पास्कल लॉ जब किया था उसमें एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, जिसमें गाड़ी को उठाया जाता था, हम यहां से फोर्स लगाते हैं और गाड़ी यहां से उड़ जाती थी, तो क्या था, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर पेपर में आया पास्कल लॉ क्या है और एक्सप्लेन करो हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो लिख देना जो लिफ्ट वाला एग्जांपल था। और ज्यादातर स्कूल में आ जाता है डिस्कस करो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो ब्रेक्स के केस में आपने ये डायग्राम बनाना है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर आपने ये लिखना है, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है यूजिंग ऑफ पास्कल लॉ, जो ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर के साथ काम करती है। तुमने शायद कभी मैकेनिक को ये बोलते भी सुना हो, जैसा इसका ब्रेक ऑयल चेंज होगा, सर्विस के लिए गाड़ी गई है, ब्रेक ऑयल चेंज होने वाला है, वो ब्रेक ऑयल क्या है, ये रहा वो ब्रेक ऑयल पिंक कलर का, ये रहा आपका पैडल, गाड़ी का पैडल, गाड़ी का पैडल एक सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है आगे, इसमें ब्रेक का ऑयल डाल रखा है, ब्रेक ऑयल। आप यहाँ से पैडल दबाते हो, ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन इसको दबाता है, एक प्रेशर जनरेट करता है, तो ये जो प्रेशर है ये लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये प्रेशर बराबर ट्रांसफ़र हो जाएगा हर तरफ, वो प्रेशर यहाँ भी मिल जाता है, जैसे ही वो प्रेशर यहाँ मिलता है ये एक्सपैंड होने की कोशिश करता है लिक्विड, ये मूवेबल पार्ट्स हैं पी वन पी टू, ये जैसे ही एक्सपैंड होते हैं पी वन पी टू एक्सपैंड होती है, पूरा रिंग खुल जाता है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग खुल जाता है, क्योंकि ये एक्सपैंड होगा स्प्रिंग खुलेगा, और ये जो देख रहे हो ब्रेक के शू, ये टायर को टच कर जाते हैं पीछे, ये टायर को टच, और टायर क्या है, बहुत तेज घूम रहा है, रबर के शू प्रेस करते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि कोई तो मैकेनिज्म है जो गाड़ी के टायर को टच कर रहा है, उसको रोक रहा है। अब मैं अपने हाथ से तो रोकूंगा नहीं, हाथ की जगह ब्रेक के शू लगा दिए, तो क्या हुआ, आपने तो हल्की सी फोर्स लगाई, हल्का सा प्रेशर लगाया, या प्रेशर लगाया फोर्स बाय एरिया, वो प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हो गया, उसने इसको पी वन पी टू को खोल दिया, स्प्रिंग खुल गया और शू जो है वो रिम को टच कर गए इस टायर के, और ये गाड़ी रुक गई। तो इसके अंदर आपने लिखना कैसे है, ये क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ लिखना है, ये पक्का लिखना है, इसमें लिखा नहीं हुआ, लिख लो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो पास्कल लॉ। थोड़ी कंस्ट्रक्शन लिख देनी है, ये डायग्राम बना देना है, इस डायग्राम में पिस्टन पी लगा देना है, ट्यूब टी लगा देनी है, ट्यूब है जिसमें ब्रेक ऑयल है, और ये बाकी व्हील्स की तरफ भी जा रहा है, सिर्फ एक टायर को नहीं कई चारों टायर को रोक रहा है। तो ये जो है मास्टर सिलेंडर है, ये ब्रेक के शू हैं। तो इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन अपने वर्ड में लिख देनी है, कोई नहीं पढ़ रहा आपकी कंस्ट्रक्शन, में लिखने की फॉर्मेलिटी होती है पता ही है सबको। और उसके बाद फिर इसकी वर्किंग है, जब पेडल को प्रेस किया, इट्स लीवर सिस्टम पुशेस द पिस्टन पी इनटू द मास्टर सिलेंडर, लीवर पी पिस्टन को पुश कर देगा, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑयल टू द पिस्टन पी वन पी टू, तो पी वन पी टू की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी पिस्टन्स हैं, मतलब एक सिलेंडर के दो पिस्टन्स हैं, फिर पी वन पी टू पुश्ड आउटवर्ड्स हैं, बाहर की तरफ पुश हो जाते हैं, जो कि ब्रेक शू को जाके लगते हैं, तो ब्रेक शू गेट प्रेस्ड अगेंस्ट द इनर रिम ऑफ द व्हील एंड रिटार्डिंग द मोशन ऑफ द व्हील। तो इसमें दो तीन बार लिख देना, दिस इज इन अकॉर्डिंग विद पास्कल लॉ, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ, अंडरलाइन भी कराना, किसने पढ़नी है आपकी ब्रेक कैसे लगी, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, दो तीन जगह घुमा देना पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, जो मर्जी लिख दो अंदर, मतलब अपने वर्ड में जो लिखना है लिख देना, बात खत्म।